अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहा हूँ उसका नाम है दम कीमा। ठीक है, वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो मैं बनाऊँ वो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, इसको लाइक करें, शेयर करें, आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ठीक है, दम कीमा, उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसके लिए सबसे पहले ये देखें, 1 kg कीमे। ठीक है, आप अपने मुताबिक ले लें, हाफ ले लें, 1 ले लें, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, उसके बाद ये चॉप किया हुआ हमारे पास है प्याज, ये टमाटर, ये सब्ज मिर्च, ठीक है, ये हल्दी है, काली मिर्च, ये नमक हसबे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट, सुरह मिर्च, और ये है जनाब हमारे पास मोटी इलायची है, एक दाना, एक पीस सिर्फ, और सब्ज इलायची और दालचीनी बस। बाकी ये जो आइटम पड़ी है वो मैं आपको वीडियो में बाद में बताता हूँ। आए लेट्स गो, स्टार्ट करें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आ जाए जी, आ जाए। सबसे पहले आपने ऑयल यूज करना है। ठीक जी, जब आपका ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद आपने ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देना। ठीक है, इसके साथ ही आपने ये मोटी इलायची और ये जो है एक अदर इलायची दालचीनी इसको डाल के इसको भी साफ सुथरा फ्राई कर देना पड़ेगा। इसको आपने सिर्फ एक सिर्फ 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 बस 20 से 25 सेकंड इसको फ्राई करना है। ठीक है जनाब, सिर्फ इसको 20 से 25 सेकंड करके इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, साथ ही आपने कीमा इसमें डाल देना है। इसको आपने ऐसे इसको थोड़ी आंच तेज रख के ना इसको ऐसे ही भूनते रहना थोड़ी देर। हाँ जी गाइस, ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा ना इसने अपना कलर चेंज किया है कि मैंने, ठीक है, थोड़ा सा इसने पानी भी छोड़ा है घी के अंदर। इसको ऐसे अच्छी तरह करके आपने इसमें थोड़ा अपना नमक डाल देना हसबे जायका। ठीक है, ये नमक ना हमने ऐड कर दिया, आपने हल्दी भी साथ ही डाल देनी है। ये हल्दी भी आ गई और ये आ गई हमारी सुरख मिर्ची थोड़ी सी, क्योंकि ये मैदे के लिए नहीं ठीक है। मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान की आधी आबादी जो है ना वो मैदे की मरीज है, इससे बचें। सब्ज मिर्च आप यूज़ करें जितनी हो सकता है। ठीक है, और ये जो काली मिर्च है ये भी ऐड कर लें, गरम मसाला ये, सॉरी। अब इसको आपने थोड़ी देर के लिए ना इसको रख दें ताकि कीमा थोड़ा सा आपका पक दे। ये जी गाइस, तकरीबन ये 10 से 15 मिनट मैंने इसको रखा है। ठीक है, ये ना कीमा अपना पानी छोड़ गया होगा, ये देखें, ये देखें इसकी शेप भी ठीक हो गई है। ठीक है, अब इसमें हम डाल लेंगे, ये देखें, ये प्याज चॉप किया हुआ, ठीक है, और ये है सब्ज मिर्च, और ये आ गया हमारा टमाटर। अब इसको इसके अंदर ना अच्छी तरह भूनना है हमने। ठीक है, आज थोड़ी फ्लेम इसका जो तेज कर लें, इसको हम ऐसे भूनना है, इसमें बहुत मजे की खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह आप खाएंगे तो आप ना अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए इसको भूनना है ऐसे, ये देखिए इसको मैं भून, ये हो गया तकरीबन। ठीक है, इसमें अपना ऑयल छोड़ना है, ये देखिए जब ऑयल निकल आए ना तब आप समझे कि ये इसमें अपना हांडी का अपना हफ हो गया है। ठीक है, अब इसको आपने हल्की आंच पे ना रख देना साइड पे। अच्छा गाइज, हमारा जो कीमा वो बिल्कुल तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। ठीक है, उसको हमने ये हल्की आंच पे इधर रख दी है, अब इसकी जो ऊपर वाली मेकिंग है ना वो स्टार्ट करते हैं। चले लेट्स गो, थोड़ा सा ऑयल लेना बस, ज्यादा नहीं। ठीक है, ऑयल ज्यादा नहीं लेना आपने। ठीक है, ये ऑयल आपका गर्म हो गया। ठीक है, इसके ठीक है, ये आपने ना रिंग बना लेना इसको, ये देखते हैं ऐसे, ये कीमे के ऊपर वाली जो मेकिंग है वो रेडी होने लगी है। ठीक है, इसको आपने ऐसे कर लेना। ये गाइस आपने हल्का से इसमें सिरका डाल लेना, इसलिए बस थोड़ा सा। ठीक है, ये हमने प्याज गाइस करके ना, ये देखें इसकी शेप इस तरह की करनी है आपने। ठीक है, इसको इस तरह की शेप जब आ जाए आपने निकाली, इसके बाद आपने रख देना है टमाटर, ऐसे गोल गोल रिंग बना दो टमाटर को। ठीक
और ये 2 से 3 अदर सब्ज मिर्चें, ये जिस तरह आपको वो आप काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये मैंने इसकी जो साइड है ना टमाटरों की वो चेंज कर दी है। ठीक है, इनको आपने ज़्यादा नहीं होने देना, उनके ये ऐसे साइड भी चेंज करते रहना साथ साथ, क्योंकि ये अपनी सेहत जो है ना वो ख़राब ना करे। ये मिर्चे सबक इसको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, इसके अंदर भी थोड़ा सा आपने ऐसे उठा देना सिरका है, उसे हल्का सा बक करना बस। ये गाइस ये तकरीबन आपकी देखिए ये सब्ज़ मिर्चे भी हो गई हैं, टमाटर भी हो गए। ठीक है, ये इसको अब आपने साइड पे कर देना है। लो जी गाइस, अब अगली जो बारी है वो आ गई है कोयले की। ठीक है, ये कोयला एक कर लेना छोटा सा पीस, उसको आपने अच्छी तरह गर्म कर लेना है। जी गाइस, ये देखिए हमारी फाइनल लुक, ये हमने जो ड्रेसिंग बनाई है ना, ठीक है, तब तक हमने अपना जो कीमत है वो हल्की आंच पे रखा है ऊपर, ठीक है, ताकि वो पकता रहे थोड़ी देर। ये देखें, ये देखें, ये हमारा कीमा जो है ना ये अब रेडी हो गया। ठीक है, अब देखें ये अब हमने ड्रेसिंग करनी है। ये ले गाइस, ठीक है, अब हम इसके ऊपर अपनी जो ड्रेसिंग है ना वो, ये देखें, ये हम जो प्याज तैयार किया था आलू में और सिरके में, ठीक है, ये वो आ गया, और ये आ गई हमारी सब्ज मिर्च। ये देखिए इसकी शेप देखिए कितनी खूबसूरत है। ये देखिए ये जो हमने टमाटर किए थे वो, ये देखिए जी गाइस, ये देखिए हमारी जो ड्रेसिंग है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके ऊपर आपने थोड़ा सा धनिया ऐड कर लेना है। ठीक है, जितना भी करना है, ये हमारा ऊपर धनिया आ गया। धनिया की ऐसी चीज़ है कि ये ना जो भी चीज़ पकाए ना उसकी खूबसूरती इसके साथ ही है। ठीक है, ये हो गया, अब हमारा जो फाइनल टच है वो जनाब, ये देखें, ये हमारा कोयला था जो हमने रखा हुआ था इस साइड पर, कोयला देखे वो अपनी शेप कर गए तैयार। ठीक है, इसको इसमें रख के इसको इसके ऊपर रखते हैं ऐसे। ये देखें, इसको ऐसे दे के ऊपर ऑयल करना है। ठीक है, इसको इसके साथ बंद कर दें ताकि इसकी स्मोक जो है वो उसके अंदर रह जाए। ठीक है, ये देखें गाइस, इसको सिर्फ तकरीबन आपने ना कितना सिर्फ 20 से 25 सेकंड के लिए बस इसको फिर ऊपर बंद कर दें। ठीक है, ये हमारा जो फाइनल है ना वो हो चुका है कीमा तैयार, दम कीमा। ठीक है,